पहाड़ी 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 मीठ पहाड़ी दिल खुटेर की हमारी। नमस्कार। आज की जो खबर आसपास की में आश्चर्य खबर है, जो ऊर्जा मंत्री हैं भगत बंसीधर भगत, कैबिनेट रैंक के मंत्री, बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनको विद्युत विभाग के पास जाकर धरना देना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा विडंबना और देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या हो सकती है। एक कैबिनेट रैंक का मंत्री जो शायद संभावित कभी मुख्यमंत्री बन सकता था, उसको विभाग के लिए धरना करना पड़ता है। तो इससे साबित होता है कि किस तरह से हमारी नौकरशाही, हमारे अफसर मंत्रियों के ऊपर हावी हैं। इसी की ये मंत्री, इन्हीं की वजह से हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और दूसरी खबर और आ रही है कि भैया किसी के घर में जो है अस्पताल चल रहा था, सारी सुख सुविधाएं वहाँ थी, वहाँ पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ थे, पूरा जो ऑपरेशन थिएटर का जो सामान होता है एक घर में पकड़ा गया। जो CMO की टीम है जब वहाँ पर गई तो उन्होंने इस अस्पताल को, एक चलते हुए अस्पताल को घर में सील किया। अब मजे की बात है, अभी तक एक इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर इस अस्पताल को कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है। हम लोग जब देखते हैं कि चिकित्सा सेवा वाले विभाग में भी, अनुभाग में भी लोग जब पैसा कमाने के लिए घरों में क्लिनिक चला रहे हैं बगैर अनुमति के, तो इससे समझा जा सकता है कि हम सारे लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। अपनी व्यवस्थाओं पर दांव लगा रहे हैं, हम दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को हम दोष देते हैं, हम कितना पैसे के लिए पतित हुए जा रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए विदेशी ताकत हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारे देश पर बार बार नज़र रखती हैं। इसको समझना होगा दोस्तों हमें। ये बहुत दुखद खबरें हैं। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण परिवेश में, पहाड़ में लोग देखें, जैसे एक बुजुर्ग दंपति की इमेज एक फोटो से दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, कैसे वो लोग सीमित साधनों में भी खुशी से जिंदगी को जी रहे हैं। हम देखिए, असल में हम लोगों को पैसे की आड़ में, दौलत की आड़ में हम लोग भूल गए कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वृद्ध दंपति का आपको फोटो दिया है। देखिए, आपको उनके चेहरे में रौनक दिखाई दे रही होगी, वो जैसे बाकी समाज को, बाकी दुनिया को चिढ़ा रहे हों कि देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैं दुनिया के सारे लोगों से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये हमको आईना दिखा रहे हैं और हम लोग फिर भी समझ नहीं रहे हैं। हम लोग सारे अमानवीय कार्य करने में लगे हैं, अनैतिक कार्य करने में हम लोग जुटे हुए हैं ताकि हमारे पास दौलत का अंबार लग सके। इतने बड़े कोरोना काल से भी हम लोगों ने बीइंग इंसान, एक मानव, हमने कुछ नहीं सीखा। बहुत शर्म की बात है दोस्तों, हम सबको सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।